हेलो जी, कैसे हैं आप लोग जी। आपने हमारी शादी की कहानी पार्ट वन और हमारी शादी की कहानी पार्ट टू, इन दोनों वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए इतना थैंक सराहा, यू। उसके लिए दिल से धन्यवाद दिए। जितनी बार भी आपको धन्यवाद कहे वह कम है। हमने सोचा नहीं था कि यूट्यूब पर आप लोग ऐसा स्वागत करोगे हमारा। और तब शुरू करते हैं हमारी शादी की कहानी पार्ट थ्री। जी, ये आखिरी एपिसोड है हमारी शादी की कहानी की थोड़ी सीरीज का, लंबी हो जाएगी तो प्लीज आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी एक पार्ट हम मिस करें। हम चाहते हैं कि हमारे जहन में जितना भी है तो हम सब कुछ आपके साथ शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, शुरू करने से पहले यह कहेंगे, एक बात कहेंगे तो जी बात यह है कि जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारी वीडियो को देखने के लिए, तो उन्हीं के लिए था, फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, दो बात कहेंगे। ठीक है। तो जी बात यह है कि जो भी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देखने आए हैं, तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो दोनों पार्ट है, हमारी शादी की कहानी पार्ट वन और हमारी शादी की कहानी पार्ट टू, यहाँ पर आई बटन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके देखिए आप लोग, फिर आप इस पार्ट को देखिए। और दूसरी बात यह है, जो लोग भी यह एक्सपेक्टेशन करके आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे इस चैनल पर, कि बहुत हाई लेवल का वीडियो होगा, तो प्लीज प्रोफेशनल होगा, प्लीज उस तरह का एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखें। हम नए नए यूट्यूबर हैं जी, नई नई शुरुआत किए हैं यहाँ पर, हमें उतना एडिटिंग के बारे में पता नहीं है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि पिछले पार्ट में बताया था हमने कि हम और जिया जो है एक दूसरे से मिलने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं मिल पाए। कितनी भी कोशिश हुई जी, हमने अपनी शादी की कहानी पार्ट वन और पार्ट टू में बताया, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी सब कुछ बताया, जितने भी एक नहीं कहते हैं मज़ेदार पल सब थे, सब कुछ शेयर किया। आज आपसे कुछ ख़राब एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं जो शादी के टाइम में होता है। बात ये है कि कुछ रिश्तेदार यहाँ से भी कनेक्टेड थे, जो इनके साइड भी थे और मेरे साइड भी थे सेम, तो उन्होंने चाहा कि इनकी शादी हो ही नहीं। बिल्कुल, और उन्होंने हर संभव कोशिश की, जितना हो पाया सब कुछ की अंतिम दम, मतलब यहाँ का कुछ बात वहाँ बताना, वहाँ का कुछ बात यहाँ जोड़ तोड़ करके बताना, ताकि इन लोग के बीच में कुछ हो जाए इशू और शादी नहीं होगी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, तो किसी हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो यहाँ जोड़ी तय हो गई और देखिए शादी भी हो गई और हम लोग आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहे हैं। जब उन्होंने जो चाहा वो हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कुछ अलग करते हैं। अलग में उन्होंने क्या चुना कि इनकी बदनामी करवाते हैं, तो बदनामी में क्या करवाते हैं वो आप बताओ। तो जी बदनामी का दिन उन्होंने चुना हमारा तिलक समारोह। जी हाँ, जब हम लोग का तिलक होना था तो उस दिन जिम्मेदारी ले लिया उसने ही टेंट का, कि टेंट ये सब जो सब भी है वो सब हम करवा देंगे, क्योंकि ये अपने घर में बड़े हैं और एक डैडी हैं। डैडी कितना कुछ करते और सब कुछ कर रहे थे, तो इनकी ही शादी थी, इस वजह से उन्होंने बोला कि हम कर लेते हैं, तो उन्होंने ले लिया अपने ऊपर सब कुछ। उसके बाद क्या होता था? बिल्कुल, फिर क्या हुआ, उसने सोचा तिलक के दिन करते हैं बदनामी। तो तिलक के दिन जिया के परिवार को आना था सुबह के 10 बजे के करीब, और तो अगर कोई भी फंक्शन अगर 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो जो भी टेंट होता है वो तो एक दिन पहले शाम में लग जाना चाहिए था। जो टेंट 8 बजे रात को लगना था वो सुबह के 8 बजे तक भी नहीं लगा। बिल्कुल, तो आप समझ सकती हो कैसा लगा होगा उस फैमिली को। फिर क्या हुआ, हमने जिया की फैमिली को बोल दिया कि आप लोग थोड़ा लेट से आ जाइएगा, 2-3 घंटे थोड़ा हो। लेकिन वो लोग निकल चुके थे उस टाइम, लेकिन वो लोग उस टाइम तक निकल चुके थे, तो वो लोग पहुँच गए यहाँ और फिर जा करके वो टेंट लाया। मतलब जब सारे गेस्ट पहुंच गए तब वो टेंट लाया। जहाँ भी हम लोगों का खास करके जो कास्ट है भूमिहार, यहाँ पर आन का बात होता है, हर एक चीज़ पर, हर एक छोटा छोटा चीज़ यहाँ पर मैटर करता है। ये व्यवस्था में कमी रह गया, वह व्यवस्था में रह गया, तो ये सब चीज़ हुआ। तो मेरी मौसी थी उस टाइम, सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। टाइम मेरी मौसी है, जो छोटी मौसी है, वह एकदम थोड़ा है गेस्ट मैनेजमेंट में आगे। वह क्या हुआ, कहती है कि एकदम पूरा नहीं कहते हैं, मतलब सब कोई हार चुके थे यार, अब क्या हो गया, मतलब अब क्या करेंगे। वो उठी कुर्सी पर से, कहती सुनो सबसे पहले जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाओ, तुम तब तक कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तब तक रुको ना, सारा व्यवस्था हम करते हैं, और सारा व्यवस्था वो कर दी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, सरवाएंगे पागल कहेगी चलो। वहाँ पे हमारा जब वहाँ से तिलक निकलता है, तो लड़की को हम लोग में रीति रिवाज में होता है साड़ी पहना करके सिंदूर ऐसे ऐसे लगाया जाता है, तो हम इतना रो रहे थे कि यार अब हमको सिंदूर लगाना पड़ेगा, कैसे लगेंगे हम। नहीं होता है जब फर्स्ट टाइम आपको सिंदूर लगाया जाए,
तो बहुत अजीब लग रहा था, हम पूरा रो रहे थे। और क्या हुआ कि यहाँ पे सब आ गए, तिलक देख रहे थे सब कोई, मतलब अपने फोन में वीडियो कॉल पे सब कोई देख रहे हैं तिलक हो रहा है। इसके सारे जितने रिश्तेदार सारे फैमिली वाले फोन लेकर के मेरे सामने ऐसे हैं, अजीब लग रहा था एकदम। सब कोई वीडियो कॉल पे इनको देख रहे हैं और हम रोए जा रहे हैं, सब कोई देख रहा है इनको। और क्या हुआ था, ये इतनी स्माइल कर रहे थे, वैसे मैं वीडियो शेयर करूंगी तो आप देख लोगे। इतना स्माइल कर रहे थे सब कोई, हम मेरे उधर देख के बोलता था दुल्हा कितना स्माइल करे छे, मतलब दुल्हा कितने स्माइल करे छे। देखिए हम रो रहे हैं, अब हम हंसी आ रहे। तुम देखी थी कि नहीं तिलक के दिन हमको? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। उस पर इंजॉय भी किए। और मतलब देखिए जो भी हो नहीं हो, लेकिन यदि आपका पार्टनर अच्छा हो, जैसे मेरे माँ बाप ही हैं, यदि उनको दामाद अच्छा मिल जाए, चाहे कुछ भी अच्छा नहीं हो, कुछ ख़राब हो, व्यवस्था ख़राब हो, लेकिन अच्छा दामाद मिल जाता है तो उनकी खुशी अलग ही होती है। किसी के फेस पे इतना भी नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि सब इनके स्माइल पे ही मर गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और मेरा क्या था, सच में कब ये ख़त्म होगा, हम परेशान हो गए थे बैठे बैठे मंत्र और वो धुआँ, इतना गर्मी, ये सब। तो ऐसे ऐसे करके तिलक संपन्न हुआ और अच्छा खासा सब कुछ संपन्न हो गया। तो जैसे ही तिलक सब कुछ संपन्न हुआ, जिया के परिवार वाले सब चले गए, सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन था हमारा मेहंदी। मेहंदी के दिन क्या हुआ था, ठीक है सब कुछ उस दिन हम लोग का ठीक रहा, फिर क्या हुआ, हम लोग के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई इस चीज को लेकर के हुई, उनके कारण तुम कर रही है, लड़ाई कर रहे थे पूछ। और लड़ाई किस लिए हुआ था बताओ, कि मैंने इसको कॉल किया, किए जा रहा हूँ, उठा ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है क्या हो गया इसको, क्यों नहीं उठा रही है। अब देखिए, क्योंकि तिलक के दिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ जो उसने बदनामी कराने की कोशिश की, हमने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ और भी उल्टा सीधा बोल दिया। दिमाग ना वैसे भी बहुत चलता है, जितना दिमाग है ना उतना चलता है। बहुत बढ़िया, तो लगातार कॉल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा ऐसा कुछ हुआ हो उस दिन, और फिर उसके बाद जिस लड़की से आपका 2-3 महीने से बातचीत हो रहा है और आप उसको कॉल कर रहे हो, लगभग 15-20 कॉल, ना जाने कितना कॉल किया होगा हमने, याद भी नहीं है मुझको, और वह कॉल नहीं उठा रही है, तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लग गए। तो ऑब्वियस ही बात है, आएगा ही, क्या आखिर हुआ क्या, किसी ने कुछ बोल दिया क्या, भी मन कर रहा क्या कर, इतना गुस्सा आ रहा है। हुआ क्या था कि मेरी मेहंदी चल रही थी, इनके यहाँ मतलब लड़के में उतना फंक्शन नहीं होता जितना लड़कियों में होता है, ये रस्म वो रस्म, रात के 2 बज रहे थे जो ये हमको कॉल कर रहे थे। उस टाइम हम कॉल उठाते, मेरे यहाँ मेहंदी चल रहा था, सब डांस कर रहे हैं, मेरे हाथ पे मेहंदी लगी, हम कॉल कैसे उठाएंगे। वेट वेट वेट, जैसे लग रहा है 2 बजे कॉल करना कोई पहली बार था। नहीं ठीक है, उस दिन हम लोग का रस्म चल रहा था। हाँ। और मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और मेरे भैया जो है वो देख रहे हैं कॉल आ रहा, जान जान के कॉल कट कर रहे हैं, हमको बात नहीं करने दे रहे, बोले कल तो शादी है, बात करोगे आज, एंजॉय करो। तब डांस किए जा रहे हैं, तब पूरा डांस वांस चल रहा था मेहंदी का, और ये कॉल पे क्यों कॉल किए जा रहे हैं। फिर भी हम देखे, जब मेरी पूरी मेहंदी लग गई तो फिर भी हम कितना मुश्किल से वहाँ से निकल कर के छत पर गए, इनको कॉल किए और ये पूछो मैंने इतना लड़ाई की। जी, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, कहानी में थोड़ा मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर देंगे तो हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो चलिए कहानी को आगे जारी रखते हैं। नहीं, मेहनत से मतलब सबको छोड़ छाड़ के हम छत पे गए इनसे बात कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि भड़क गए होंगे पक्का। तो हम इनको कॉल करते हैं, ये बोलते हैं तुमको यदि शादी से प्रॉब्लम है तो बोलो मैं कल नहीं आऊँगा। तो बोल तो मैं कल नहीं आऊँगा, तो बोल दी अजीब हाल है, बोल लो। जब फिर मैं लड़ाई करना स्टार्ट की तो इनकी एंड हो गई, बोलते एक नंबर की लड़ाकी न जी। जी फिर तिलक संपन्न हो गया, तिलक के बाद इसके साइड जो था मेहंदी का रसम भी संपन्न हो गया। फिर उस दिन मुझे रात में बोला गया कि तुम थोड़ा जल्दी सो जाओ वरना तुम्हारा जो है दिन भर हालत खराब होने वाला है। हम सोचे ऐसा क्या, वैसे ही बोल रही है सब कोई, इनको तो बात करने की लगी थी, मुझे सोने दिए नहीं, खुद सोए। तो रात के 3 बजे हम सोए और
चार बजे हमें जगना पड़ गया। और उस दिन जाना था हमें कुआं पर, और कौन सा रस्म होता है कुआं पर जी, हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। इतने सबके बाद भी शादी के दिन भी कम तमाशा नहीं हुआ जी। शादी के दिन हुआ क्या, इसके साइड जो है जाम लग जाता है, वो भागलपुर और कटिहार के बीच का जो रास्ता है पुल पे जाम लग जाता है, और नौगछिया का जो रोड है वहाँ पे जाम, वहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगता है। तो हम लोग क्या सोचे कि जाम तो लगना है ही, तो हम लोग 2 घंटा पहले थोड़ा निकल लिए, बहुत पहले निकल गए थे। तो हम लोग टाइम से थोड़ा पहले निकल गए कि जाम भी होगा तो थोड़ा समय पर पहुंच जाएंगे। और आप लोग जानते हो ही कि लड़की में कितना रस्म होता है, दिन सुबह से लेकर के रात तक रस्म होते रहता है। हुआ क्या, फिर हम लोग जो है गए, उस दिन एक भी जाम नहीं मिला। तो हम लोग क्या हुआ, पहले पहुंच गए वहां पर, तो एक किसी मोड़ पर थे हम लोग, हम लोगों को रास्ता नहीं मालूम था कि कहाँ से आना है। तो हम फ़ोन किए अपनी साली साहिबा को, रिया को, तो रिया को बताया कि सुनो हम लोग यहाँ पहुँच गया, वहाँ से कहाँ आना है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वह कहेगी, मतलब एक्साइटमेंट में रहेगी कि उसके जीजाजी आने वाले हैं, लेकिन वो कहती क्या है बताता हूँ, वो कहती है आप लोग इतना जल्दी क्यों आ गए। हम कहे कि यार क्या बोल रही है इस तरह का बात सब। मतलब हम लोग का रस्म ही चल रहा है, कम से कम 3-4 और रस्म मांग के था, ये लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा तुम तो हमको शायद देख भी ली थी ना उस टाइम। मतलब हम लोग की गाड़ी जो जा रही थी, अजीब शक्ल है, आप जानते हो रस्म होता है, यहाँ काजल मतलब बाल बिखरे हुए, मतलब अजीब सा, मतलब जैसे हो रहा है ऐसे में ये, मतलब इनकी हम रस्म करने जा रहे हैं, ये साइड से जा रहे हैं इनकी गाड़ी। इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रही कोई बात नहीं अभी तो कर लेती हूँ, बाद में इनसे पूछूंगी। और ये उस बात को लेकर के अभी तक गुस्सा है कि हमको मेकअप के लिए टाइम नहीं मिला उस दिन। अपनी शादी में 10 मिनट मुझे मिला था। 10 मिनट अभी भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है रेडी होने। फिर हम लोग पहुंचे अपना जहाँ पर सारा व्यवस्था क्या हुआ था बारात सबके रुकने का। जब वहाँ पहुँचे ना, जब नाश्ता दिया जा रहा था, मन तो कर रहा था नाश्ता कर ले, लेकिन हम नाश्ता नहीं किए, जानते थे कि भर रात मेरा जगराता होने वाला है और बैठे रहेंगे और वो तेल टक्कर वाला चीज़ खाएंगे तो पेट में थोड़ा गैस वैस बन जाए। तो हम इसीलिए नहीं खाए क्योंकि वह जो शेरवानी पहने हुए थे ना और वो सब, तो बड़ा अजीब लग रहा था, एकदम अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा था एकदम। और वह जो है कमर के पास से भी नहीं, पेट के पास से पहने क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था शेरवानी, तो पेट के ऊपर बंधा हुआ। उसके बाद हम चल रहे हैं और वह जो जूती था उसमें मेरा फंस जाता था बार बार, ऊपर जामा लग रहा था कि जोकर है, हम किसको बैठा दिया है शादी करने के लिए। फिर हम लोग जो था निवास बारात का, वहाँ पर सब कुछ हुआ, वहाँ से हम लोग पहुँचे समियाना पर, और समियाना पर जब पहुंचे जहाँ पर सारा जयमाल सब होना था, तो जो जयमाल सब होना था, तो जयमाल के लिए जब हम बैठे हैं, पूछिए मत, हम कुर्सी पर, याद है वो जो सिंहासन तो दे दी, और सिंहासन पर हमको बिठा के रखी थी, कम से कम लगता है 1.5 घंटा बैठे हैं हम। तो आप 4 घंटा पहले आए तो कहीं रुक जाते, तो हम लोग का जो बारात का जो स्थान था वही रोक लिया जाता, समियाना कहे घींच के लिए आए, भाई चलिए ना मेहमान। अच्छा और क्या हुआ था, जब हम वहाँ पर बैठे गए थे ना, वहाँ पर जो सिंहासन था उस पर जाने से पहले हमको वो उठाया था, जिया का भाई है मोलू, गोलू उठाया था। तो गोलू जब हमको गाड़ी से उठा के ले जा रहा था वहाँ पर बैठाने के लिए, हमको लग रहा था भाई गिरा नहीं देगी हमको। और कितना मतलब उठा करके, मतलब पैदल नहीं चलते हैं, गाड़ी से उठा करके वहाँ पे स्टेज पे पहुँचाया जाता। फिर आई जयमाल की बारी, आई महारानी साहिबा 1.5-2 घंटे के बाद। चेतना मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, पूछो मत, कि मतलब अपनी शादी में रेडी नहीं हो पाया, बस एक बार और शादी करेगा मौका। तो अब अच्छा से रेडी होगी, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ कि फिर जयमाल का बारी आया, और याद है हमको जब जयमाल का बारी आया था तो हम सोच रहे थे कि इसको देखें, लेकिन हम जो है थोड़ा टेढ़ा आँख से कोशिश कर रहे थे देखे, लेकिन जान रहे थे कि सारा लोग का अटेंशन मेरे ऊपर ही है तो इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। फिर हम जो है चुपचाप एकदम जो हमको बोला जा रहा है करने के लिए हम किए जा रहे हैं। तुम देखे थी हमको? नहीं।
नहीं देखी थी, झूठ बोलेगी। नहीं देखे थे आप क्या किए थे? हाँ। जो हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर करते हैं। हाँ। इन्होंने इतने जोर से मुझे यहाँ ऐसे दबाया था कि पूछो। जी हम सोच रहे थे शैतानी कर ही देते, थोड़ा सा शैतानी तो करना चाहिए क्योंकि क्योंकि एक दूसरे को तो देख पा नहीं रहे हैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में, तो कम से कम कुछ ऐसा चीज करे जो याद रहेगा। तो इसको ऐसा जोर से छुट्टी करते हैं सुबह, ये भी हमको काट ली रिटर्न में, ये भी इतनी बदमाश है, पति का थोड़ा सा इज्जत करती है। और फिर क्या हुआ, जैसे ही जयमाल और ये सब हो गया, उसके बाद बारी आई कौन सा वो विध होता है जिसमें पान से सेकते हैं गाल को। हाँ, गाल सेका जाता है। हाँ, गाल तो, सेकने वाला। तो उसके बाद वहाँ से भी हमको उठा के ले जाया गया, वहाँ भी वहाँ लेकिन क्या हुआ, कोई मेरे साले साहब उठा के नहीं ले गए, मेरे ससुर जी ही उठा के लेके चले गए। क्या ना बड्डू अंकल है ना वो, तो वो हमको गोद पर, वो शायद है झारखंड पुलिस में शायद, वो उठा करके हमको ले करके चले गए। और वहाँ जब गए, वहाँ जो मेरा गाल सेका गया वो आग में पान को थोड़ा सा हीट करके, अब मेरा गाल पर जो सेका गया, हम जो है इतनी लेडीज लग रहा था, कम से कम 20-30 लेडीज तो जरूर होगी, ज्यादा थी 30-40 तो होगी। अब मेरा गाल सेका जा रहा है, हम बस अबाक होकर के देख रहे थे खिड़की से, बहुत बढ़िया। और हम जो है एकदम मूर्ति जैसा वहाँ पर बैठे हुए, आके गाल सेक रही है, बन रहे थे, इतना सीधा बन रहे थे, क्या सीधा नहीं थे हम क्या? आपने आगे की कहा, कोई भी मेरे जान पहचान का जो भी मेरे रिश्तेदार था कोई नहीं आया, और इन सब के बीच में अनजान आदमी के बीच में हम बैठे हुए जिनको आज तक हम कभी नहीं देखे हुए हैं, और वहाँ पर सभी एकदम ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे लग रहा है पूरा मेरा एक्सरे चल रहा है, पूरा स्कैनिंग कर दिए थे वहाँ पर सब। तो ये बड़ा दिक्कत है शादी ब्याह में, ऐसे देखते हैं ना सब, सीधा लव मैरिज करो या फिर मंदिर में करो, इंजॉय करो, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका भी अपना अलग ही मजा है। हाँ वो तो है, जितना हम लोगों ने इंजॉय, हम लोग की शादी भले वैसे नहीं भी थी जैसे बड़े रईसों की शादी होती है, लेकिन इंजॉय बहुत किए थे। फिर वो गाल सेकाई वाला रस्म सब हो गया, तो गाल सेकाई वाला रस्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वीडियो चलेगा वो, कि जब वो गाल सेकाई वाला काम हो गया, सॉरी जी हम किसी भी अपने प्रथा का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं, हमें जो समझ में आ रहा है हम उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो जी जब मेरा वो गाल सेकने वाला कार्यक्रम हो गया, फिर उसके बाद बारी आया हवन पर बैठने का, वहाँ पर स्टार्टिंग ही हुआ, दो मिनट के बाद पूछते हैं पंडित जी और कितना देर है। मेरा ने कमर दर्द इतना कर रहा था ना इन सब चक्कर में, एक तो उतना यात्रा करके आए और रोड था बीच का डैमेज, यात्रा करके आए थे, इनको रेस्ट करने के लिए एक दिन मिल जाता, फिर ये और ऊपर से रात में हम सोए भी नहीं थे, वो मेरी गलती थी। अब जो भी हो तो इस तरह करके तो ये चल रहा था, तो पंडित जी से हम पूछे पंडित जी कितना देर तक चलेगा ये सब चीज़, तो पंडित जी कहते हैं ये तो बड़ा लंबा तक चलेगा, आपको सुबह तक चलेगा। हम कहे कि हे भगवान आज तो मेरा हालत ख़राब होने वाला है यहाँ पर। जैसे ही कुछ देर बैठे थे बारिश हो गई थी मूसलाधार, जबरदस्त बारिश हो गई थी, जान आया। हाँ। इसलिए क्योंकि इतनी गर्मी थी पूछो मत, तो थोड़ा बारिश ने थोड़ा राहत दे दिया था। और कहा जाता है कि जब बारिश होता है ना शादी में तो शुभ माना जाता है, कि अगर लगन में आपके बारिश हो गया था। जैसे स्टार्टिंग हुई शादी की, जैसे हम लोग बैठे शादी करने उस टाइम बारिश हो गई, और जब सिंदूरदान हो रहा था उस टाइम भी बारिश हुई और जब तिलक हो रहा था, पहले जो तिलक हुआ था उस दिन भी बारिश हुई थी, और जब निकल रहे थे हम वहाँ से विदाई के टाइम भी हुई, तो ऐसी नहीं हुई कि हम लोग का सारा खराब हो जाए थोड़ा सा। तो हम लोगों में कहा जाता है कि बारिश शुभ माना जाता है, भगवान की कृपा से लग रहा है सब कुछ शुभ ही हुआ है। फिर क्या हुआ, एक बारी आया था वो पहचानने का, जब पहचानने के लिए गए थे, मम्मी को पहचाने भले लेकिन हम इनको पहचान गए थे। अच्छा आप लोग पहचाने थे क्या, जिनकी भी शादी हुई है अगर आपके साथ पति ने पहचान लिया हो, ऐसे ढक के रहती है एक साली और एक बीबी बीबी। हाँ। तो उनमें से पहचानना होता है कि कौन आपकी बीबी है, ऊपर से ही पहचानना पड़ेगा, लेकिन वो ढक के रहती है अंदर में। हाँ। पहचानना पड़ेगा इसमें से कौन है। तो फॉर्चुनेटली हम पहचान लिए थे, जब इसको हम पहचान लिए उसके बाद फिर हवन कंटिन्यू हुआ। तो हवन के समय हमें ध्यान है हमको इतना नींद आ रहा था, सोच रहे हैं रात के आपको बैठा दिया गया 12 बजे के, और मैं एंजॉय कर रही थी। ये तो अपना कोई दिक्कत नहीं था, घूंघट अपना ओढ़ ली थी, अंदर में नींद आ रही होगी। और बताती हूँ मैं, जैसे इनको लगता था कि नींद ले रही है, नीचे से चिट्ठी करते थे बहुत और कितना जोर देर में और ये क्या करते थे, हर 5 मिनट पंडित जी और कितना देर लगेगा, और जब इनसे नहीं कितना कोशिश किए सारा मंत्र, लास्ट में क्या बोलते थे स्वाहा। जी हाँ, पंडित जी का जैसे मंत्र खत्म होता था ना तो अंत में खाली सुहा बोलना होता था, हम सुहा बोल देते थे। तो पंडित जी एक बार बोल भी दिए
कि जी थोड़ा एक बार मंत्र भी पढ़ लीजिए। तो जी बाद में हम फिर मंत्र पढ़ना भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिए, लेकिन पूरा मंत्र बात हमें समझ में नहीं आता था, इतना फास्ट फास्ट मंत्र पढ़ते हैं वो सब। तो जी इस तरह से सब कुछ संपन्न हुआ हमारा, जितना भी रीति रिवाज होता है। तो रीति रिवाज सारी संपन्न होने के बाद हम लोग मुलाकात किए, समय मिला था मुलाकात करने का कुछ ही देर के लिए, आधे घंटे 45 मिनट के लिए। फिर हो गई जी जिया की विदाई, और जिया की जब विदाई हुई तो बेचारी ऐसी रो रही थी कि पूछिए मत, दया आ रही थी, ओहो। तो जी विदाई होकर के आई, और जब यहाँ घर पर आई तो जो मेरा गाल सेकाई हुआ था वहाँ पर, इसका भी गाल सेकाई यहाँ पर हुआ, वो पान से, और उसके बाद ढोलना इसके सिर के ऊपर डाल के। हमारी शादी की कहानी यही थी। तो अगर आपको हमारी शादी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट करें, और आप कमेंट करें और बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। और जिनकी भी शादी होने वाली है, इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, बताइए कि हाँ इसी प्रोसेस से गुजरोगे। स्पेशली उनका जिनका अरेंज्ड मैरिज होने वाला है और पूर्वांचल साइड से हैं वो सब। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और जी अब हम आगे से शादी की वीडियो जो है अपनी, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी शादी की वीडियो डालिए, तो हम आगे से अपनी शादी की वीडियो एक एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।